दोस्तों नमस्कार, राजस्थान नई भर्ती 2023 से जुड़ी बड़ी खबर। 13,184 पदों पर बड़ी भर्ती आपकी आ रही है, तो चलिए पूरी जानकारी न्यू वैकेंसी की देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की न्यूज है, सफाई कर्मियों के 13,184 पदों पर भर्ती दो दिन में शुरू हो जाएगी। तो दो दिन के अंदर आपकी न्यू वैकेंसी शुरू हो रही है, 13,184 पदों पर बड़ी भर्ती जो कि सफाई कर्मी की पोस्ट के ऊपर होनी है। तो यहाँ पे आप देखिए सफाई कर्मियों की हड़ताल पहले दिन की खत्म हो गई। यहाँ पे दोस्तों सफाई कर्मियों की तरफ से हड़ताल की गई थी, इसके बाद में अब यहाँ पे सरकार ने मांगे मान ली हैं और 13,184 पदों पर भर्ती की जो मांग रखी गई थी उसको स्वीकृति दे दी गई है। अब 13,184 पदों पर आपकी प्रक्रिया है वो दो दिन में शुरू हो जाएगी। इसमें आपके वाल्मीकि समाज के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसी घोषणा भी सरकार की तरफ से की गई है। तो इस न्यू वैकेंसी की घोषणा सफाई कर्मी के 30,000 पदों पर भर्ती की बात कही गई थी बजट में, इनमें से 13,184 पदों पर भर्ती आपकी दो दिन में शुरू हो जाएगी, बाकी बाद में होने वाली है। तो बड़ा अपडेट आप सभी के लिए जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं या जो भी इसमें जाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में राजस्थान पटवारी की न्यू वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जून के लास्ट तक और साथ ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के लिए विज्ञप्ति आपकी जुलाई के पहले सप्ताह तक जारी हो जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी इन सभी वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। पटवारी और आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ये दोनों ही वैकेंसियां सीईटी के जरिए इस बार करवाई जा रही हैं। तो जिन्होंने भी सीईटी पास किया है वो न्यू वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए तैयार रहें, बहुत जल्द आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। तो आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके जरूर से बताएं और आगे भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जरूर से जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।